हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई। चल झूठा, हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है क्यों। अरे बाबा, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की अभी हाल फिलहाल पीएम है वो है शहबाज शरीफ, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना भाई एक जरूरत है तो बाप को याद किया जाए, पीएम मोदी जी से मुलाकात की जाए। तो इसी बात पर जो विपक्ष की पार्टी है, जो फवाद चौधरी है पीटीआई से, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भाई जो शहबाज शरीफ है वो कश्मीर का सौदा करेगा, कश्मीर को बेच देगा। अच्छा? तो इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर हैं शोएब चौधरी जी, जो वो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच गए उनकी राय लेने की भाई क्या सच में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो चलिए अपन भी वीडियो का आनंद लेते हैं। चलो, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंटरनेशनल फॉर्म पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं कश्मीर के मामले में। अच्छा, उसका रिएक्शन देते हुए फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, लीडर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पीस टॉक नहीं बल्कि ये सौदा करने जा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, हम कश्मीर को बिकने नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? जो गवर्नमेंट में होता है वो कहता है पीस टॉक, जो अपोजिशन में होता है वो कहता है डील हो गई है, कश्मीर को बेच दिया है। हम नारा और एक दूसरे पर इल्ज़ाम क्यों लगाते जा रहे हैं? 75 साल में क्या किया? जैसे ये तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमी यही है कि जो हमारे लोग हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर सिर्फ सियासत ही की है। अच्छा, उन्होंने कभी भी कश्मीर के लिए कुछ ऐसा कुछ खास किया ही नहीं है कि जो हमें आवाम को या हमारे लोगों को या कश्मीरियों को पता चल सके, इंटरनेशनल फॉर्म पे हम बता सकें कि भाई बता सकें। और जहां तक बात है नवाज शरीफ वगैरह नून लीग की, तो इस चीज़ में तो हम काफ़ी चीज़ें वैसे भी सामने आ चुकी हैं कि जैसे नून लीग के जो उनके साथ मरासम है इंडिया के साथ, जैसे बिजनेस मरासम है या नवाज शरीफ की जो मीटिंग्स थी उनके जो उनके बिजनेसमैन टाइकोन के साथ मरी में, और उन्होंने अपनी शादी पे मोदी को बुलाया विदाउट पाकिस्तानी वीज़ा, तो इन चीज़ों से तो जाहिर होता है कि नून लीग की तरफ से तो कश्मीर के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे। इमरान खान की जहां तक बात है उसने तो कौमी यूएनओ में भी कश्मीर का जो है मौजू है बेहतर तरीके से उठाया है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, मौजू बेहतर तरीके से उठाया, लेकिन आप तो आर्टिकल 370 को मुझसे कई ज्यादा बेहतर जानते होंगे। इमरान खान के टाइम पे वो 370 हटा, समझ में आया, 370 भी हटा, उसके बाद वहाँ पे बहुत तेजी से डेवलपमेंट भी इंडिया वाले कर रहे हैं। वाह मोदी जी वाह। हम सिर्फ नारा, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशन में जाके बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे उस साइड पे कश्मीर है, उसे एक मिनट के लिए अगर हम छोड़ें, अपनी साइड पे कश्मीर है वहाँ पे तो कोई हमें रोक टोक नहीं, हम वहाँ क्या कर। तू समझा, जो हमारे वाला कश्मीर है वो भी हमसे उतना ही बदजन हो रहा है जितने कि वहाँ के लोग मायूस हैं। उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इतनी दूंगा जो मेरे इलम के मुताबिक है, पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की थोड़ी सी हाश टाक हुई थी शहबाज शरीफ के साथ, तो उन्होंने फौरन से पहले उनका शॉपिंग सेंटर बंद करवा दिया। अच्छा, यानी ये मेरे लिए एक आम पाकिस्तानी के लिए ये देखने की बात है कि अगर चलें कोई हो भी गई है तो वो एक पूरी कौम को एक पूरा सिंबल ना दें कि यार देखें दो वो हमारे लिए स्टेट है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, कि हम उन लोगों को इतना मायूस करें कि हमने जनाब फौरन से पहले वो जो इस्लामाबाद का मशहूर शॉपिंग प्लाजा है सेंटोरियस, हमने उसे बंद करवा दिया। तो मेरा सम अप यही है कि नवाज शरीफ वगैरह से और पीडीएम से और जो इनकी इतिहादी जमातें हैं इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, नहीं है। ये बताएं पब्लिक में कैसे सर अवेयरनेस आएगी, कैसे हमें हमेशा कश्मीर का नारा लगाया जाता है, पब्लिक जज्बात में आती है, वोट भी देती है, जो कश्मीर के ऊपर ज़्यादा अच्छा नारा लगाता है वो अच्छा लीडर समझा जाता है, ना तो हमने कुछ प्रैक्टिकली करते हुए देखा इन्हें, ना ही आगे कुछ होता नज़र आ रहा है जो इस टाइम हमारी कंडीशन है। वहाँ इंडिया साइड पर बात करें जो कश्मीर है बहुत डेवलपमेंट हो रही है, आप इसे एग्री करते हैं? जो इंडिया साइड पर कश्मीर है उनसे सच्ची बात यह है कि कश्मीरी भी शायद बहुत खुश होंगे, हमारी साइड पर जो कश्मीर है वहाँ पर हमारी तरफ से कोई काम नहीं हो रहा, उनके बड़े ऐसे दरीना ऐसी चीज़ें हैं लाइक एयरपोर्ट है या वो यूनिवर्सिटीज़, वहाँ पे 18 यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे दो हैं यानी वो हमसे खुश नहीं है। ठीक है ना, इसका मकसद यही है कि जो हमारी आपने जैसा कि पूछा कि आवाम को अवेयरनेस कैसे आएगी, कि भाई ये कब तक हम नारे पे चलते रहेंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या आप ये कह लें कि कब तक इस आवाम को ये लॉलीपॉप देते रहेंगे, कश्मीर के नाम के ऊपर सियासत होती रहेगी। इसलिए हमारी आवाम जो है बड़ी बाशऊर हो चुकी है, हमारी आवाम आप खासकर इस इरा में बड़ी समझदार हो चुकी है, इनको खुद देखना चाहिए कि किसने प्रैक्टिकली क्या किया है। और आपको नहीं लगता कश्मीर के चक्कर में हम अपनी कंडीशन यहाँ तक ले आए हैं? जाहिर बात है इंडिया से तल्लुकात खराब किए, जब तल्लुकात खराब किए ट्रेड बंद हुई, बीच में इशू तो कश्मीर था, और आज हम किस पोजीशन में है और इंडिया किस पोजीशन में है? इंडिया हमेशा से, हमने इंडिया के साथ बात करने की कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ लचक ही दिखाई है। चल झूठ, कहाँ लचक दिखाई पाकिस्तान ने? पता नहीं पाकिस्तान का कल पैदा हुआ बच्चा भी बस कश्मीर छीनने की बात करता है। सही बात है, इंडिया के बारे में सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी,
उनसे लड़ाई करें, गुस्सा इंडिया वालों के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, इतनी नफरत इंडिया से। हाँ जी, लानत है तुम लोग पे, लानत। मुझे तो आज तक पाकिस्तान में कहीं से लचक नहीं दिखी, एक चीज दिखी है, जाहिलता। ट्रेड बंद कर दी, लेकिन उन्होंने फिर भी कश्मीर के ऊपर एक अपना स्टांस तो रखा ना। अब आप देखें, अब अगर आप फजल रहमान को देखें, वो कश्मीर अफेयर्स कमेटी के थे, वो चेयरमैन थे, और ये यहाँ पे मैं बात एक जोक के में नहीं कर रहा, आप उनका वो खाने का बिल उठाकर देखें, उसमें लस्सी ही करोड़ों रुपए की है। यही तो कयामत है कि जनाब वो इतना खाना खा गए, उन्होंने इतनी कश्मीर के नाम पे इतनी करोड़ रुपए की लस्सी पी ली। ये आप प्लीज आप नेट पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसमें सिर्फ मेरा यही स्टांस है कि हमारी आवाम को देखना चाहिए कि कौन सा बंदा, कौन सा जो हमारा लीडर है, वो ग्राउंड रियलिटी पे क्या कर रहा है और प्रैक्टिकली क्या कर रहा है। प्रैक्टिकली क्या कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। देखें, कश्मीरियों की बात करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर को हम बड़ा प्यार है। कश्मीरियों की अगर बात करें, आपको लगता है जो इस टाइम कंडीशन है वो खुश होंगे हमारे से? एक तो ये, दूसरे नंबर पे जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, उन्हें लेट्स सपोज हम जो कहते हैं कि उन्हें हम अपने साथ लेकर आएंगे, उन्हें फुल परमिशन दे दी जाए तो वो यहाँ पे आएंगे? इस टाइम जो कंडीशन है, पहले तो हमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर इतनी तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनको भी कोई उम्मीद बंधे। अगर हमसे आज़ाद कश्मीर वाले वो मुतनफर हो जाएंगे या हमसे वो डिसार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम उनको क्या मैसेज देंगे? इंडिया इतने काले कानून पास कर रहा है जिसके ऊपर हमारी हुकूमतें खामोश हैं, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, पीटीआई की हो, नून की हो, लेके कश्मीर को, कश्मीर को लेके जो उन्होंने वहाँ पे वो ऐसे कोई जो एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका वो जो, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब शोहरियत है वो खत्म हो रही है वहाँ पे, वो हिंदुओं को आबाद कर रहे हैं। तौबा तौबा, जब तक इनका ये मजहबी फैक्ट रहेगा ना कि हिंदुओं को वहाँ पर बढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को ग्रो करवा रहे हैं, तब तक है ना पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। इंडिया सेकुलर राष्ट्र है और यहाँ पर सभी सभी को एक साथ ग्रो करवाया जाता है, ना कि सिर्फ हिंदुओं को। अपनी सोच को बदलो, समझ में आया? और तुम्हारे पाकिस्तान में तो सिर्फ मुस्लिम लोग ही है ना, फिर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा है बताओ? हमको नहीं पता। यानी कि जैसे उनका ये स्टांस है कि अगर कश्मीर की हिस्ट्री देखी जाए, मतलब कई सौ साल पहले की हिस्ट्री, तो वहाँ पर पहले हिंदू पंडित रहते थे और मुसलमान बाद में आए, इसलिए मतलब उन्होंने जब आर्टिकल 370 हटा दिया तो फिर 370 हटने का मतलब ये जो भी प्रॉपर्टी ले। देखिए वो तो एक तरह का उनका एक अपना वर्जन है, लेकिन हमने तो देखना है कि कश्मीर मुसलमानों का है। अबे साले, ये चाचा मुझे लगता पहले से ही बात कर रहा था, बाद में इसने भी गांजा फूंक लिया। जो वहाँ के उस टाइम के जो थे राजा थे, बिल्कुल उन्होंने साइन कर दिया था, तो फिर इसका मतलब एक पेपर वर्क, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, पेपर वर्क में तो फिर कश्मीर जिसने साइन कर दिया जो कानून के मुताबिक उनके पास चला गया या नहीं? नहीं, उनके पास नहीं गया ना, लेकिन फिर भी उसकी एक अपनी टेरिटोरियल, उसकी जो उसकी एक टेरिटोरियल क्या कहते हैं, हसीयत तो है ना, वो इस वक्त एक डिस्प्यूटेड एक लैंड है। औकात में रहो, उसके ऊपर इंडिया जो भी ऐसा कोई काले कानून पास करे उसके ऊपर हमारी आवाम को सख्त, हमारे आवाम को, हमारी हुकूमत को, हमारी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को। सर आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे कि कानून क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ की बात करें कि अगर जब उस टाइम का कानून था कि कोई जो स्टेट का राजा था जहाँ पे इल्हाक करना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे वो जा सकता है, तो अगर उन्होंने इंडिया के साथ जाके साइन कर दिया तो फिर कानून इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि वो इंडिया का होगा या पाकिस्तान? जी वो भी उन्होंने गलत उसको साइन किया, किया तो सही। जी उन्होंने किया सही, लेकिन इसका मतलब देखें, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, जैसे हमारा आज़ाद कश्मीर है, हमारा हिस्सा है, वहाँ पे मैं जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, क्यों? कि वो कश्मीरियों का राइट है। अगर वहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर का या दूसरे पर लेगा तो उस तरह उनके राइट जो है वो उसमें ख़त्म होंगे, उनके लिए वो वहाँ पे चीज़ें तंग होंगी। इसी तरह जो कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो मकबूजा कश्मीरियों की है। नहीं, मैंने जो बात की है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर उन्होंने राजा ने साइन कर दिया फिर वो उनका हुआ या हमारा हुआ? वो आज तक उन्होंने इस चीज़ को माना ही नहीं ना, जो वहाँ के रहने वाले कश्मीरी हैं। देखें फैसला तो मेरे भाई उन्होंने करना है ना, पब्लिक ने करना है ना, जैसे यूएनओ में हमेशा से ये कई करारदादे मौजूद हैं कि जनाब आप उसकी आप उनको हक़ खुद अरादियत का आप उनको दें, आप उनको राइट दें। लेकिन यूएनओ ये भी कहता है पहले पाकिस्तान आर्मी अपनी जो यहाँ से नफरी है, जो फोर्स है वो कम कर दे। वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में कहता है। अच्छा, वो इंडिया की फेवर करता है, इंडिया की फेवर करता है, और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ऐसे इसका मतलब हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, हम यूएनओ की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। और दुनिया में आप इस वक्त देखें तो पूरी दुनिया में जहाँ भी अगर जुल्म सितम हो रहे हैं तो सिर्फ मुसलमानों पर ही हो रहे हैं। हे भगवान, बेचारे मुसलमानों पर इतना चूल, देखा नहीं जा रहा यार मुझसे। अच्छा है मैं अंधा हूँ। रोना आ गया पाकिस्तान का दुख देखकर। साला ये दुख खत्म नहीं होता बे।
तो जो इनके पास पीओके है ना, वहाँ के लोग तो यार खुश नहीं है, उनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, आटा नहीं है, कैसे भड़के हुए हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। और नहीं तो क्या, लेकिन इनको वो चीजें दिखाई नहीं देती, इनसे इनका देश ही नहीं संभल रहा, भूखे मर जाएंगे, कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, लेकिन कश्मीर का चूर्ण इनको जो खिला देगा ना, इनमें पता नहीं कौन सा जज्बा आ जाएगा कि ये आसमान में उड़ने लगेंगे। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल किट्टू राव, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर जो करना चाहे कर दीजिए, आपको फुल आजादी है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। टिल देन, जय श्री राम।